मैं चैनल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और फन टॉय जिसका नाम है फिंगरलिंग्स। ये देखो तो ये है ज़ोई, ये एक ब्लू कलर की फिंगरलिंग है और इसके लाइट पर्पल हेयर्स हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि फिंगरलिंग्स को बर्प, फार्ट, किस यू, गो क्रेजी और स्लीप कैसे कराना होता है। तो फर्स्ट मैं आपको इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि जब भी आप फिंगरलिंग्स को बाय करते हो तो उनमें पहले से ही बैटरी इंस्टॉल होती है। अगर वो चलते नहीं है तो इसका मतलब आप थोड़ी देर उसको ऑन ऑफ करो, और अगर आप उस वो फिर भी नहीं चलता तो आपको उसकी बैटरी चेंज करनी है। इस बॉक्स को आपको खोलना होता है और इसके अंदर छोटी छोटी बैटरीज होती हैं, उनको डालनी होती है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बर्प से। तो पहले हम अपने फिंगरिंग्स के पीछे के स्विच होता है इसको ऑन कर देंगे। देख लिए इसका पार्ट। ये कुछ और कुछ आप आपने इसका शायद से फायर सुन ही लिया होगा, क्योंकि मुझे क्या पता कि ये इतनी कम बार क्यों फाइट कर दिया है। ऐसे पकड़ो और तो आपने फायर सुन लिया होगा दो बार। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे बॉब। तो बॉब के लिए भी आपको सेम थिंग ही करनी होती है, इसका पकड़ो और ऐसे पकड़ो। ये तो फट आ गया। तो पता नहीं करके नहीं दी। थोड़ा धीरे करना। तो ये था इसका फट। तो मैंने आपको बताया था ना हम इसको सिखाएंगे बर्परी था शायद से बर्प था। सो ही गई। चलो ये था इसका वो, ध्यान से सुनना। क्योंकि ये थोड़ा ही करती है बॉब और फाइट। तो आपने एक बार दो तीन बार इसका फाइट सुन लिया और एक बार इसका बॉब सुन लिया, क्योंकि ये बॉब थोड़ा कम करती है जोड़ी। अब मैं आपको सिखाऊंगी किस। तो पहले हम किसियों के लिए इनको ऐसे स्ट्रेट पकड़ेंगे और ऐसे करेंगे। तो अगर आप इसको ब्लो करोगे या फिर करके करोगे ऐसे तो ये आपको किस बैक करेंगे। इसका फेस दिखाऊंगी मैं। अब आपका हमारा किसी भी हो गया, बर्ब भी हो गया और फाइट भी हो गया। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि इनको कैसे कराना है गो क्रेजी। ठीक है, तो गो क्रेजी के लिए भी आपको इसको ऐसे करना है और इनके हेड्स को ऐसे धीरे धीरे रखना है। इसका तो आपको बर्ब अच्छे से सुनाई नहीं दिया था ना। ऐसे ऐसे कुछ कुछ कर दिया।
तो ये था इनका गोखेजी। अगर आप गोखेजी करोगे तो इसमें बॉब पार्ट और कुछ कुछ करती है ये। वैसे अब स्लीपी था और ये पहले ही सो गई। चलो सुनाते हैं इसको। तो सोने के लिए उठी तो नहीं सोएगी कहां से। तो ऐसे ऐसे देखो इसको करते हैं तो ये सो गई। देखा शांत हो गई ना। और ऐसे करोगे तो उठ जाती है। फिर स्टार्ट करते हैं। वैसे आपने इसकी स्नोरिंग साउंड सुन ली होगी भाई। कभी भी बर्प ऑफ हार्ट कर देती है ये। तो आपने इसकी स्नोरिंग साउंड सुन ली होगी जैसे कि ये कर रही थी। मुझे नहीं पता अभी क्यों नहीं कर रही। ये खुद ही करती है क्या। अच्छी देख लिया ना। सुना था ना पक्का। मेरे को पता है आपने सुना हुआ है। तो ये थी फिंगरलिंग्स। इसका लिंक मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। आप उस पे क्लिक करके इसको बाय कर सकते हो। इनको जरूर बाय कर लेना। ये बहुत क्यूट होते हैं। तो आप इनको बाय कर लेना। बहुत क्यूट पेट्स होते हैं। इसमें थ्री टाइप्स के आते हैं। मंकीज, एलिफेंट्स और यूनिकॉर्न्स। जितने मुझे पता है कि कैसे टाइप्स के आते हैं वो होते हैं यूनिकॉर्न्स, एलिफेंट्स और मंकीज। पर मुझे मंकी मिला तो मैंने मंकी ले लिया। ये देखो ऐसे ठीक है। इनको बाय कर लेना। और मैं आपको दिखा देती थी कि कहाँ कहाँ हैंग कर सकते हैं। तो एक तो आपको इनकी टेल्स में अपनी जो ऐसे है ना उनकी इनको नीचे हैंग कर सकते हैं। और इनको हम फोन पे भी हैंग कर सकते हैं। पर अगर हम फोन पे इनको हैंग करेंगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं ठीक है। ऐसे हैंग कर सकते हैं टेल्स पे। मैं आपको लैपटॉप पे भी करके दिखा दूंगी कैसे हैंग होते हैं लैपटॉप्स पे। और एक हैंग पता नहीं टेढ़ा क्यों। और ये हैंग आल्सो हो सकते हैं अपनी फिंगर्स पे। तो फिंगर्स के लिए हैंग होने के लिए आप अपनी मिडिल फिंगर को ऐसे शेड को ऐसे ठीक है जब ऐसे बैक लगेगा ऐसे करते हैं ठीक है। और अगर आप आपके पास थोड़े ज्यादा है तो आपके हैंड्स पे बहुत अच्छे लगने वाले। पर मेरे पास एक ही फिंगरलिंग है जिसका नाम जोड़ी है। तो इसमें मैं आपको कलर्स भी बता देती हूँ। इसमें कलर आता है ये वाला एक पिंक। पिंक मेरा पहले आया था पर पता नहीं खराब हो गया मेरे से। फिर वो एक्सचेंज हुआ और फिर दो यार। पर मुझे बेला ज्यादा पसंद थी। इसका नाम है जोड़ी। एक होती है पिंक कलर की जिसकी होती है येलो हेयर्स जैसे इसकी है क्यूट क्यूट। उसका नाम होता है बेला। और एक होती है मिया जो पर्पल कलर की होती है और उसके वाइट हेयर्स होते हैं। मुझे अभी तीन ही पता है पर मैं आपको कलर्स और बता सकती हूँ पर मुझे उनके नेम्स नहीं पता है। एक ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था। मुझे ब्लैक कलर बहुत ही गंदा लगता है। ब्लैक और ब्राउन बाकी सारे अच्छे लगते हैं मुझे पर ब्लैक और ब्राउन मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और आपको एक मिल जाएगा थर्ड कोई और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं। आप उनमें से अपना चूज तो नहीं कर सकते। अगर आप इसको ऑर्डर कर रहे हो या फिर लेकर आ रहे हो। अगर आप इसको लेकर आ रहे हो तो आप इसका कलर चूज कर सकते हो। और अगर आप इसको ऑर्डर कर रहे हो तो वो अपने आप आएगा। मैंने जब ऑर्डर किया था ये तब मेरे
मेरे को लगा था कि आएगी मिया जो एक पर्पल फिंगरलिंग है, क्योंकि जब हमने फिंगरलिंग को ऑर्डर किया था तो तब उसकी फोटो पर्पल आई थी, पर आई पिंक, पर फिर वो खराब हो गई, फिर उसको पैक करके हमने भेज दिया, फिर आई जोई। आपको कोई भी कलर से मिल सकता है, मैंने आपको टाइप्स बता दे कैसे टाइप्स के होते हैं वो, और कितने कितने कलर्स होते हैं उनके। तो यहाँ पे अपन सबके कलर्स देख सकते हो, इनमें से आपको जो भी ऑर्डर करना है आप कर सकते हो। वैसे एक जरूरी है। तो गाइस अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये हमारी हैंड कैसे होते हैं अच्छे से। तो पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इनको लैपटॉप पे हैंग कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट। तो ये मेरा लैपटॉप, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, ठीक है ना? तो फर्स्ट हमें अपने लैपटॉप को ओपन हो गया। क्या आपको वीडियो देख रही है? मैंने देख रही है क्या? दिखा दूं? ये देखो लैपटॉप ओपन कर लिया हमने। ऐसे तो क्या आपको दिख जाए, और यहाँ पे जो आप लैपटॉप की यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो ना, ये मेरी वीडियो बन रही है। मैं लैपटॉप की, मैं अपनी फोन की स्क्रीन की आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, ये आप स्क्रीन देख सकते हो ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये मेरी वीडियो बन रही है, और ये नीचे का ये जो डंडी है ये स्टैंड है, और ऊपर फोन लगा के वीडियो बन रही है। तो आप अपना फिंगरलिंक ले लो, ये देखो फिंगरलिंक, और उसको आपको अपने जो यहाँ पे इसकी पूंछ होती है ना उसमें ऐसे टांग सकते हो। बस उसकी पूंछ को मैं आपसे बैक करके दिखा देती हूँ। देखो ऐसे का क्या अच्छे से दिखेगा। तो ये हमारा फिंगरलिंग हमने लिया, और इस पूरी पूंछ को हमें ऐसे टांग, ठीक है? तो ये आपका फिंगरलिंग टंग जाए। जैसे हमने लैपटॉप पे इनको टेल्स पे टांगा था ना, वैसे ही हमें अपनी निकर्स पे भी टांगना है। तो देख लो, दिखा, ठीक है? या तो फिर आप जहाँ पे आप बेल्ट डालते हो ना, ये वाली जगह जो होती है वहां भी आप इसको टांग सकते हो, वहां भी टांग के दिखा देती हूँ। क्योंकि जिनकी जो कपड़े होते हैं ना जिनकी पॉकेट्स नहीं होती, तो उनमें जरूर बेल्ट की तो ऑप्शन होती है, जीन्स में भी होती है ना, अभी जीन्स में भी ऑप्शन होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती कि वहां भी ये कैसे, तो उनके लिए भी ये लो। अरे यार ये कैमरा अपना, देखो ये हमारी जीन्स का वो है, और इनको भी आप वैसे उनकी जो टेल्स है ना उनको जो छेद होता है ना बीच में वहां डाल दो, ऐसे देख सकते हो। तो गाइस बहुत सारी चीजें होती हैं जो
आप इनको टांग सकते हो, फिंगर्स कोई भी रॉड कहीं भी टांग सकते हो आप, और आप इसको कोई भी आपके पास स्मॉल प्लांट हो वहां भी इसको आप हैंग कर सकते हो। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये एक और तरह से हैंग हो सकते हैं, मतलब आप इनके हाथ खोलो और पैर खोलो ऐसे, लेकिन मैं आपको कोई करके बताना चाहती हूँ पर मैं कर नहीं सकती, मेरे पास कोई चीज नहीं है। कौन रिमोट? चलो रिमोट नहीं, मैं आपको अभी चीज लेकर आती हूँ। मैजिक स्पीड, देखो जोई कितना शैतान है आपका। लो देखो, एक डॉल के ऊपर चढ़ गया, मैजिक से मैंने बुला ली ना डॉल, ऐसे आप टांग सकते हो। तो मुझे तो यही चीज मिली जिस पर मैं टांग लू, अच्छा था। ठीक है, तो ऐसे आप इनके पैर और हाथ खोल के इनको किसी भी चीज पर टांग सकते हो, चाहे वो आपकी फिंगर्स पे भी हो। ठीक है, अब इसको निकाल देंगे। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, एक वीडियो में मैं आपको मेरी होम टूर भी करवाऊंगी। तो एक वीडियो में जोई आपको इसकी, ये लड़की है या लड़का है मुझे नहीं पता, कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये लड़की है या लड़का। मुझे तो लड़का लगता है क्योंकि नहीं, लड़की लगती है, मैं लड़की हूँ तो ये भी लड़की है। तो जोई आपको बताएगी कि उसका होम कैसा है, तो उसकी वीडियो को देखना मत भूलना। ठीक है, पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करो, फिर उस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। बाय बाय बोलो, बाय एवरीवन, बाय एवरीबॉडी, मुझे बोलना नहीं आता अभी, बाय।